यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुँचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना और मैथमेटिक्स की नॉलेज को हमारे चैनल पर ग्रहण करते रहना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आधारित है प्रायिकता की जो वीडियो सीरीज है। प्रायिकता की वीडियो सीरीज हमने कुछ महीने पहले स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में किसी कारण से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो उसके अंदर चार लेसन हमने पढ़े थे, जिसमें प्रायिकता क्या होती है, ताश के बारे में और डाइस के बारे में यानी पासे के बारे में हमने प्रायिकता पढ़ी थी। तो आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है, और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सिक्के को उछालने पर जो प्रायिकता होती है, यानी कि कॉइन जो होता है उस कॉइन से रिलेटेड प्रायिकता के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरल है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि सर सिंपल है और यदि हम ध्यान से नहीं करेंगे तो गलती होने से हमारे जो मार्क्स है वो कट सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए बिल्कुल इसे ध्यान से देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, अब चलते हैं, करते हैं स्टार्ट, किस प्रकार से देखते हैं सिक्के का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ताश में आपको ताश के बारे में नॉलेज होना चाहिए था, पासे में यानी डाइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी आपको सिक्के के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सिक्के के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सिक्का है उसके बारे में तो नॉलेज सबको होती है, आप सभी जो इंडियन करेंसी है वो यूज़ करते हो। इंडियन करेंसी में आजकल तो नोट चलते हैं, पहले ज़्यादा सिक्के चलते थे। तो हम एक सिक्के की बात करते हैं, कॉइन की बात करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक रुपये का या कोई भी सिक्का है, ठीक है, तो इसके अंदर दो पहलू होते हैं, जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो पहलू। पहलू को यहाँ पर मैं हम फेस लिख सकते हैं, सिक्के के दो फेस होते हैं। पहला जो फेस होता है वो होता है हेड, और दूसरा होता है वो होता है टेल। ठीक है, हेड का मतलब होता है जहाँ पर, अब देखिए अलग अलग डेफिनेशन है हेड को, कई लोग इसको हेड बोलते हैं, कई लोग इसको टेल बोलते हैं। वैसे जहाँ पर नंबर होता है उसे टेल बोलते हैं, और जहाँ पर वो भारत का निशान होता है उसे हेड बोलते हैं, लेकिन अलग अलग है, कोई इसे हेड मान लेता है, कोई इसे टेल मान लेता है, लेकिन कैसे भी हो दो पहलू हैं, हेड और टेल। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं चित और पट। ठीक है, तो आप चाहे हेड और टेल बोलो, आप चाहे चित्त और पट बोलो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में आएगा तो चित्त और पट लिखाएगा, इंग्लिश में आएगा तो हेड और टेल लिखाएगा। आपको याद है क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इसके टोटल जो रिजल्ट्स हैं वो दो हैं। क्या है, इसके टोटल रिजल्ट कितने हैं? दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घटना हमें क्या देखनी है, जो इवेंट हम लेंगे वो क्या लेंगे, इवेंट लेंगे सिक्के को उछालना। इवेंट क्या लेंगे हम? सिक्के को उछालना, यानी जब आप किसी सिक्के को उछालोगे तो वो एक घटना होगी, वो एक इवेंट होगा। और ये जो सिक्के को उछालने की घटना होगी, जब आप सिक्के को उछालोगे, सिक्के के उछालने की जो घटना होगी, इस घटना के दो रिजल्ट आएंगे। इस घटना के कितने रिजल्ट आएंगे? दो रिजल्ट। ये जो दो रिजल्ट हैं वो टोटल होंगे, ये जो दो रिजल्ट है वो क्या होंगे? टोटल दो रिजल्ट होंगे। ठीक है, ये दो रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो या तो हेड या टेल, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं चित या पट, ये जो भी हमने ऊपर देखे थे। तो ये दो रिजल्ट होते हैं जब सिक्के को उछालते हैं, उस घटना में दो रिजल्ट होंगे, हेड और टेल, ये दोनों टोटल रिजल्ट हैं। ठीक है, अब हमें जो रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एक बार में तो एक ही रिजल्ट आएगा, अब हमें कौन सा चाहिए उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वांछित परिणाम। क्या लिखते हैं? वांछित परिणाम, क्योंकि हम जिसकी प्रायिकता निकालते हैं वो वांछित परिणाम होता है जो हमें चाहिए, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। क्या बोलते हैं? फेवरेबल इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जो हमारे फेवर में है, जो हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। वो इवेंट क्या हो सकता है? या तो हेड आना हो सकता है या टेल आना हो सकता है। अगर हमें हेड चाहिए तो हेड हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, यदि हमें टेल चाहिए तो टेल हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी है वो हमारा हो जाएगा फेवरेबल इवेंट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायिकता की। तो यहाँ पर देखिए, फेवरेबल इवेंट या तो हेड होगा एक, या टेल होगा ये एक, तो या तो ये आएगा या ये आएगा, और दोनों बिल्कुल सेम है तो दोनों की जो है वो क्या होगी? एक। वांछित परिणाम क्या हो गया? एक। अब यहाँ पर यदि मैं वांछित हेड आने की प्रायिकता निकालूं, यदि यहाँ पर मैं क्या निकालूं? हेड आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप एक बार पिछले वीडियो देखना, कि वांछित परिणाम या फेवरेबल रिजल्ट्स
इंग्लिश में बोले तो हम इसे लिखेंगे फेवरेबल रिजल्ट्स, और अपॉन टोटल परिणाम, अपॉन हम क्या लिखेंगे टोटल रिजल्ट या कुल परिणाम, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं टोटल परिणाम या कुल जो रिजल्ट्स हैं वो, ठीक है। अब कुल जो रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं और वांछित परिणाम कितने हैं, तो चाहे हेड आओ चाहे टेल आओ, वांछित परिणाम तो हमारे पास है एक और कुल परिणाम हमारे पास है दो, तो इसकी जो प्रायिकता आएगी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 1/2, या 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इस तरह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो ही घटना है, दो घटना है और टोटल प्रायिकता एक होती है और दोनों घटनाएं समान है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे 0.5 या 1/2, ये इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता। तो सिक्के में दो ही रिजल्ट होते हैं इसलिए सिक्के का क्वेश्चन होता है बहुत ईजी, ठीक है। ईजी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर केवल दो रिजल्ट होते हैं, तो ये दो रिजल्ट्स होते हैं इस कारण से ही ये क्या होता है इजी होता है, ठीक है। तो ये जो घटना है ये है सिक्के को उछालना, तो इस घटना में आप ध्यान रखना हमने सिक्के को एक बार उछाला, हमने क्या करा सिक्के को एक बार उछाला, तो जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं और दोनों की जो प्रायिकता होती है चाहे हेड आने की निकालें चाहे हम यहाँ पे टेल आने की निकालें, क्योंकि टेल भी एक ही आता है तो उसको भी प्रायिकता क्या होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसका जो सवाल आएगा वो बिल्कुल सिंपल आता है और इसीलिए ये 9th, 10th में या 11th में या बड़े लेवल पे ये सवाल नहीं आते, क्योंकि बहुत सिंपल होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप प्रायिकता बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ रहे हैं तो ही ये सवाल आएंगे, अदरवाइज बड़े लेवल पे ये सवाल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर घटना को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए दो सिक्के एक साथ उछालते हैं, क्या करते हैं दो सिक्के एक साथ उछालते हैं, ठीक है, या फिर एक सिक्के को दो बार उछालते हैं, या फिर एक सिक्के को कितनी बार उछालते हैं दो बार। आप दो सिक्के एक साथ उछालो ये भी एक घटना है, या एक सिक्के को दो बार उछालो ये दो बार उछालने की घटना है, दोनों में ही समान रिजल्ट आते हैं और वो जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है टिपिकल होता है। कैसे होता है टिपिकल, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने पासे के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पासे के बारे में, यदि आपने पासा का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि पासे में 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं 6 अंक, और 6 अंक का जो वीडियो है या 6 अंक का जो प्रायिकता है वो थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए पासा सिक्के से ज़्यादा कठिन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जब हमने एक पासा फेंका था तो कुल प्रायिकता कितनी थी 6, क्योंकि पासा एक फेंका है, और जब हमने पासा दो बार फेंका या दो पासों को एक साथ फेंका तो उसके अंदर प्रायिकता कितनी आ गई थी, उसके अंदर प्रायिकता आ गई थी 36, टोटल प्रायिकता जो आ गई थी कितनी 36। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पासे में कुल परिणाम थे 6, जब एक बार फेंका तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, जब इसको दो बार फेंका तो 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 होता है 6 × 6 = 36। इसी प्रकार ये था पासा, इसी प्रकार यहाँ पे भी जब हम दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को दो बार उछालेंगे, तो जब एक बार उछाला तब प्रायिकता आई 2, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है। अब यहाँ पर हम सिक्के को दो बार उछालेंगे, कितनी बार उछालेंगे 2 बार, तो जब 2 बार उछालेंगे तो जो कुल परिणाम आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 2। ये जो 2 है नीचे वाला ये क्या है कि इसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, और ऊपर जो 2 है वो कितनी बार उछाला 2, तो 2 की पावर 2 जब होगा वो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्वेश्चन देने वाला ये कह सकता है कि हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम होंगे 2 की घात 3 कितने होंगे 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 1 यानी 2 बार ये हम देख चुके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2 की पावर 2 यानी कि सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से होते हैं और उसकी प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, ठीक है ना, 2 सिक्के को एक साथ। यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, 2 सिक्के को एक साथ उछालना या 1 सिक्के को 2 बार उछालना, दोनों घटनाओं, वैसे तो घटना अलग अलग है लेकिन इनकी प्रायिकता जो होती है वो समान होती है, तो कैसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, एक सिक्के में होता है हेड और टेल, ठीक है, दूसरे सिक्के में भी होता है हेड और टेल। ये हो गया हमारा पहला सिक्का, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सिक्का। तो अब इन दोनों सिक्कों में आपको बताना है कि कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसका दोनों के साथ बना दो और इसका भी दोनों के साथ बना दो, तो टोटल 2 × 2 = 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। और 4 परिणाम हमने देखा था 2 की पावर 2 होती है, तो वो भी कितना कॉम्बिनेशन होंगे 4। अब ये चारों कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे ये हमको पता लगाना है, ये 4 जो रिजल्ट आएंगे, ये 4 जो कॉम्बिनेशन आएंगे, ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे इसका हमें पता लगाना है। इसका यदि हमने सही से पता लगा लिया तो हम इसके सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। जो 4 रिजल्ट होंगे इसके वो होते हैं, देखो, या तो दोनों में हेड आ जाए, ठीक है,
या पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, बस यही हो सकता है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखोगे तो आपको बिल्कुल आराम से पता लग जाएगा, पहले या तो दोनों में हेड आ गया, या पहले में हेड दूसरे में टेल आ गया, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ गया, या दोनों में टेल आ गया। तो ये कुल चार परिणाम होंगे, ठीक है। तो टोटल जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमारे पास कितना आ गए, टोटल रिजल्ट ये तो हमारे पास आ गए चार, ठीक है। और जो फेवरेबल होंगे, ठीक है ना, जो फेवरेबल रिजल्ट्स होंगे या जो वांछित परिणाम है जो हमें चाहिए, वो हम देख लेंगे कि सवाल में कितने हैं। वांछित परिणाम जो है वो हम सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें किस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है और उसका वांछित परिणाम क्या होगा। जैसे हमें सपोज प्रायिकता निकालनी है कि दोनों हेड आने की प्रायिकता, दोनों टेल आने की प्रायिकता, कोई भी एक हेड आने की प्रायिकता, इस तरह से। तो यदि मैं वांछित परिणाम देखूँ दोनों हेड आने की, क्या देखूँ, दोनों हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों अगर हेड आने के वांछित परिणाम देखूँ तो दोनों हेड इसमें कितनी बार आए हैं, इसमें सिर्फ एक ही चांस है जिसमें दोनों हेड आते हैं, तो इसकी वांछित परिणाम क्या हो जाएगा, एक। और बट्टे में मैं लगाऊंगा कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हो जाएंगे एक बट्टे चार। इस प्रकार इसकी प्रायिकता निकलेगी। आर्यवासन में दोनों हेड आने की जो प्रायिकता है, दोनों हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे निकलेगी, दोनों हेड आने के परिणाम कितने हैं, दोनों हेड आने के एक ही परिणाम है, दोनों हेड सिर्फ एक बार ही आ सकते हैं एक ही चांस में, तो उसकी एक, टोटल परिणाम चार, तो एक बटे चार हो गया। इसी तरह से अगर मैं पूछूँ दोनों टेल आने की, इसी तरह से अगर मैं पूछे दोनों टेल आने की प्रायिकता, तो जिस प्रकार हेड, दोनों हेड आने की वांछित परिणाम एक है, उसी प्रकार दोनों टेल भी तो एक ही कंडीशन में आ रहे हैं, दोनों टेल एक ही कंडीशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी वांछित परिणाम हो जाएंगे एक और कुल परिणाम हो जाएगा चार, तो इसकी जो प्रायिकता है वो भी एक बटे चार आएगी, ठीक है। अब एक बटे चार को आप यूँ भी लिख सकते हो या आप 0.25 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो एक ही बात है, आंसर में किसी भी रूप में दिया हो सकता है, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया शब्दों को, अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखो कम से कम एक हेड आने का मतलब है कि कम से कम एक तो आना ही चाहिए और ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कम से कम एक हेड इसमें भी है, ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक हेड इसमें भी है, ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक हेड इसमें भी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक इसमें है, एक इसमें है, दो इसमें, तो कम से कम एक होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तो ये तीनों ही हमारे क्या हो गए, वांछित परिणाम। इसके अंदर एक भी हेड नहीं है लेकिन कम से कम हमें एक हेड चाहिए, तो ये वांछित परिणाम नहीं होगा। तो इस स्थिति में ऊपर वाले तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, वांछित परिणाम। तो वांछित परिणाम की संख्या हो जाएगी तीन बट्टे में कुल परिणाम की संख्या चार, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तीन बट्टे चार, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.75 पॉइंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी आ सकता है कि दोनों सिक्के पर समान परिणाम ना आने की प्रायिकता, दोनों सिक्के पर समान परिणाम ना आने की प्रायिकता, ये भी आ सकता है। तो देखो दोनों सिक्कों में समान परिणाम कब आया है, इस टाइम में दोनों में सेम आया है और इस टाइम पे दोनों में सेम आया है, आपको निकालना है समान परिणाम ना आने की, तो इन दोनों टाइम में समान परिणाम नहीं आया है, तो ये बीच वाले दो आपको लेने हैं, तो वांछित परिणाम हो जाएंगे दो और कुल परिणाम हो जाएंंगे चार। तो दो बट्टे चार को जब आप सॉल्व करोगे दो के पाड़े से तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक बट्टा दो, या इसको आप लिख सकते हो 0.5, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपके वांछित इवेंट, वांछित परिणाम होंगे बट्टे में कुल परिणाम, और आप आराम से प्रायिकता निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसको ध्यान से पढ़ना, और जो कुल परिणाम आए हैं आपके, ये कुल परिणाम आपको पता होना चाहिए, कुल परिणाम जो आपके आएंगे उसी कुल परिणाम की वजह से, उन्हीं कुल परिणाम के कारण आप उसको बिल्कुल आराम से करके देख सकते हो और उसके सारे जो आंसर है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा सिक्के को किस प्रकार से हम एक बार उछालेंगे और दो बार उछालेंगे तो उसमें प्रायिकता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 जो हमने देखा था, यानी तीन सिक्के को जब एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को तीन बार उछालेंगे तब कौन कौन सी प्रायिकता आती है और किस प्रकार के उस पर क्वेश्चन बनते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो,
बेल आइकन दबा दो, हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं ताकि उसका भी निराकरण हम कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।